यीशु स्वर्ग का लौट जाते हैं। जौन दिन परमात्मा यीशु का मृतक में से जीवित करे रहे हैं, उनखर दूठे चेला पास के गांव में जात रहे हैं। चलत में ऊँ यीशु के साथ जौन भराव है वखर बारे में बात करत रहे हैं। उनखर आशा रही ही कि वह मसीह रहे हैं, पर तबू भी ऊँ मार डालो गए रहे हैं। अब ऊ महरिया कहती हैं कि वह फिर से जिंदा हो गए हैं। वो नहीं जानत रहे हैं कि कौन बात में विश्वास कर कहा। यीशु उनखर पास आके उनखर साथ चला का आराम कर दें, पर ऊँ उन्हें पहचान नहीं पाइन। ऊँ पूछिन कि ऊँ केखे बारे में बात करत रहे हैं। ऊँ उन्हें पिछला दिन में यीशु के साथ भसारा घटना के बारे में बताइन। ऊँ सोचिन कि ऊ कोनो परदेसी से बात करत रहे हैं, जौन नहीं जानत रहो है कि यरूशलेम में का भ रहो है। तब यीशु उन्हें समझाइन कि परमात्मा के वचन मसीह के बारे में का कहत है। बहुत पहले भविष्यवक्ता कह रहो है कि बुरा मने मसीह का पीड़ित करहीं और मार डलहीं, पर भविष्यवक्ता यह भी कह रहो है कि ऊ तीसर दिन जी उठी। जब ऊ वह नगर में पहुँचिन जहाँ ऊ दूठे जन ठहरना चाहत रहे हैं, तब तक लगभग शाम हो गई रही ही। ऊ यीशु का उनखर साथ ठहरा के लाने आमंत्रित करिन। तब ऊ उनखर साथ एक ठे घर में गए, अपन शाम के भोजन का खाए के लाने ऊ बैठ गए। यीशु एक ठे रोटी का लेके उनखर लाने परमात्मा का धन्यवाद दें और फिर वही टोरिन। अचानक से ऊ जान लेन कि ऊ यीशु रहे हैं, पर वहन समय ऊ उनकर आँखी से ओझल हो गए। ऊ दुठे जन एक दूसर से कहिन वह यीशु रहे हैं। यही से जब वह हम ही परमात्मा के वचन का समझौत रहे हैं, तो हम बहुत उत्साहित रहे हैं। तुरंत ही ऊ निकल के वापिस यरूशलेम का गे। जब वो पहुँचिन तब चेलन का बताइन यीशु जिंदा हैं, हम उन्हें देखे हैं। जब चेला बात करत रहे हैं, यीशु अचानक से वह कमरा में उनखर साथ प्रगट भें। ऊ कहिन तुम्हें शांति मिला। चेला सोचिन कि ऊ कोनो भूत रहे हैं, पर यीशु कहिन तुम कह डरते हैं, तुम यह कहे नहीं सोचते कि यह सचमुच में मैं यीशु हूँ। मोर हाथ और पैरन का देखा, भूतन के पास ऐसा शरीर नहीं हो जैसा मोर पास है। यह दिखामा के लाने कि ऊ कोई भूत नहीं रहे हैं और खाए के लाने कुछ मांगिन। ऊ उन्हीं मछली के एक ठे टुकड़ा दें और ऊ वही खा लेन। यीशु कहिन मोर बारे में परमात्मा के वचन जौन कुछ भी कहत है वह घटित हुई। मैं तो ही बता दे रहा हूँ कि ऐसा होना जरूरी है। तब यीशु उन्हीं परमात्मा के वचन अच्छा से समझाइन। ऊ कहिन बहुत पहले भविष्यवक्ता लिखे रहो है कि मैं मसीह का दुख उठामा होई, मरा का होई, फिर तीसर दिन मृतक में से जी उठा का होई। ऊ भविष्यवक्ता यह भी लिखे रहे हैं कि मोर चेला परमात्मा के वचन के घोषणा करही। ऊ हर जन का पश्चाताप करे के लाने बतही। यदि ऊ ऐसा करही तो परमात्मा उनखर पाप का क्षमा करही। मोर चेला यह संदेश के प्रचार करा का यरूशलेम से आरंभ करही। तब ऊ सब जगह सब जातिन में जईही। तुम मनई मोर हर एक ठे बात और काम के गवाह बा, जौन मैं कहे और करे रहे हैं और वह सबके भी जौन मोर साथ भा है। आगे 40 दिन में यीशु अपन चेला में कितना बार प्रगट भें। एक बार तो ऊ एक समय में 500 से ज़्यादा मनैन में प्रगट हो गिर रहे हैं। वह अपन चेला में कितना तरीका से साबित करिन कि ऊ जिंदा रहे हैं और ऊ उन्हीं परमात्मा के राज्य के बारे में शिक्षा दें। यीशु अपन चेला से कहिन परमात्मा मुहि स्वर्ग और पृथ्वी के हर जन्म शासन करे के अधिकार दें ही।
यही से अब मैं तुमसे कहत हूँ कि जाके सब जातिन के मनैन का चेला बनाबा। एखेलाने तुम उन्हीं बाप बेटवा औ पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देका होई। जौन कुछ भी मैं तुम्हें आज्ञा दे हूँ उन सब बातन का मानना का भी तुम्हें उन्हीं सिखामा कहा। याद रखिया मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। यीशु के मरे मसे जी उठे के 40 दिन के बाद उ अपन चेला से कहिन, जब तक कि मोर बाप तुम्हें सामर्थ नहीं दई दे तब तक यरूशलेम में रुके रहा। उ तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजी तब तुम ऐसा करिहा। तब यीशु स्वर्ग में चले गए। एक बादल उन्हीं उनकर आँखी से छिपा लईस। स्वर्ग में यीशु सब चीजन में शासन करही और परमात्मा के दाहिनी तरफ बैठ गए। मत्ती 28:16-20, मरकुस 16:12-20, लूका 24:13-53, यूहन्ना 20:19-23, प्रेरितों के काम 1:1-11 से बाइबल की एक कहानी।